फिल्म काइट्स में ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के अलावा एक विदेशी बाला भी थी जिनका नाम है बारबरा मोरे। इस फिल्म में बारबरा को देखकर इंडियन ऑडियंस तो उनकी खूबसूरती की कायल ही हो गई थी, और कहा जाता है कि ऋतिक भी उनकी खूबसूरती के इस कदर कायल हो गए थे कि काइट्स की शूटिंग के दौरान बारबरा मोरे के साथ उनके अफेयर्स की खबरें भी तेजी से उड़ने लगी थी। इतना ही नहीं बताया तो ये भी जाता है कि मुंबई में ऋतिक ने बारबरा को एक घर भी दिया था। वहीं खबरों की माने तो बताया ये भी जाता है कि ऋतिक चाहते थे कि उनकी हर फिल्म में उनके साथ बारबरा ही रहे, लेकिन सुजैन के चलते उन्हें बारबरा से अलग होना पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद उन्होंने मैक्सिकन फिल्मों में काम जारी रखा। वहीं एक बार फिर से बारबरा अब सुर्खियों में आ चुकी है, और उसकी वजह यह है कि बारबरा 38 साल की उम्र में दादी बन गई। जी हाँ, इस उम्र तक ज्यादातर औरतें माँ बनती हैं, लेकिन बारबरा इस उम्र में दादी माँ बन गई। दरअसल बारबरा 1996 में सर्गियो मेयर के साथ रिलेशनशिप में थी और उनसे उन्हें एक बेटा भी हुआ था। बारबरा ने अपने बेटे का नाम सर्गियो मेयर मोरी रखा था, और अब उनका बेटा बड़ा हो गया है जिसकी एक बेटी भी है। आपको बता दें कि बारबरा की पोती अब 6 साल की हो चुकी है, और वही बारबरा अब 43 ईयर्स की हो चुकी है। ऐसे में महज 38 साल की उम्र में काइट्स फिल्म की ये एक्ट्रेस दादी माँ बन गई। हालांकि बारबरा को देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो दादी माँ बन चुकी हैं। यार वैसे रिलेशनशिप के बाद साल 2016 में बारबरा ने बास्केटबॉल प्लेयर किनेथ्रे सिमेन से शादी की थी। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और एक साल दोनों की राहें अलग हो गई। वैसे आपको बता दें कि बारबरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, साथ ही वो अपने बेटे के साथ कई पिक्चर्स भी शेयर करती है। वही बारबरा के करियर की बात करें तो काइट फिल्म्स के अलावा वो साल 2005 में माय ब्रदर्स वाइफ, साल 2008 में वियोलांचेलो, और साल 2008 में ही इनसिग्निफिकेंट थिंग्स, साल 2014 में कॉर्नफ्लास, और साल 2016 में टेरेंटोना, सोल्टेरा वाय फैंटास्टिका जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।